सो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त वीके वाई और आप देख रहे हो वीके वाई गेमिंग स्टार जी। सो गाइस, यहाँ पे फाइनली रियल क्रिकेट 24 का जो है नया अपडेट जो है फाइनली लॉन्च हो चुका है, जिसका आप लोग इंतजार कर रहे थे। अगर आपको अपडेट लेना है तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मतलब कॉमेंट बॉक्स में मैंने पिन करके दे दिया, वहाँ से आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप लोग जल्दी से जाके अपडेट कर सकते हो अपने इस गेम को। तो गाइस, यहाँ पे जैसे ही आप लोग आओगे तो लगभग कुछ आपको 500 MB का यह अपडेट देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट ग्राफिक्स ओवरहाउल देखने को मिलेगा, न्यू क्राउड देखने को मिलेगा, न्यू कैमरा एंगल्स, कम्युनिटी मोड्स के आप लोगों को फीचर्स मिलने वाला है यहाँ पे, बाद में न्यू इम्प्रूव्ड कैरेक्टर मॉडल देखने को मिलेगा, साथ में नया आप लोगों को ब्रांड न्यू फेस एंड देयर हेयर मॉडल्स देखने को मिलने वाला है। उसके साथ में ऑल किट्स इम्प्रूव्ड हो गया है, स्टेडियम्स के लाइटिंग चेंज हो चुकी है, धर्मशाला स्टेडियम क्वालिटी सेटिंग इम्प्रूव्ड हुई है, बाद में गेम प्ले इन्हांस्ड हुआ है, स्मूथर गेम प्ले हुआ है, ट्विक्ड AI है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस गाइस। बाद में गाइस यहाँ पे ब्रांड न्यू यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलने वाला है, शॉर्ट्स एसेस इजी एंड मीडियम इन सिंगल प्लेयर आपको देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ न्यू मल्टीप्लेयर सीजन आपको देखने को मिलेगा, और साथ में वर्ल्ड कप 2023 आप लोगों को ये चीजें भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो बहुत सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, अराउंड 600+ बैटिंग शॉर्ट्स आप लोगों को देखने को इसके अंदर देखने को मिलने वाला, जो कि बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए। और गाइस यहाँ पे आप लोगों को एक मोड्स का जो फीचर देखने को मिला है, मोड्स आर यूजर्स क्रिएटिव कंसर्न ट्रांसफॉर्मिंग द वे प्लेयर एंगेज विद द गेम। तो आप लोगों को पता होगा मैंने मोड्स के ऊपर पहले वीडियो एक बना के बता दिया हूँ, तो फटाफट से मैंने गेम को तो अपडेट कर लिया हूँ, अब मैं आपको यह गेम का रिव्यू दे देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैंने प्ले पे क्लिक कर दिया, गेम जो है अपना फाइनली ओपन हो चुका है। यहाँ पे नेटिलस मॉल और जेड सिंथेटिस का लोगो आप लोगों को देखने को मिल चुका है, क्योंकि आपको पता है दोनों कंपनी जो है कंबाइन हो चुकी है। जैसे ही आप लोग गेम को आप लोग ओपन करोगे तो गाइस गेम के अंदर भी कुछ ना कुछ अपडेट आप लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पे, यानी कि इन गेम डाउनलोड्स आपको कुछ ना कुछ करना पड़ने वाला है आप लोगों को 100%, क्योंकि जैसे ही मैंने गेम को डाउनलोड किया तो 3-4 बार गेम और वापस ये डाउनलोड होने को गया। यहाँ पे इनका एक GEPCL आप लोगों को एक टूर्नामेंट वगैरह भी देखने को मिल सकता है जियो सिनेमा पे, जिसको आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी के लिए हम उसको नहीं चेक करेंगे, अभी के लिए हमें गेम देखना है। तो गेम ये जो है आप लोगों को नया एक इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल रहा है इनकी तरह से, और साथ में ऊपर की तरफ को एक मिशंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे जो भी आप लोग मिशंस वगैरह है वो सारे करके आप लोग यहाँ पे कलेक्ट्स वगैरह कर सकते हो, जैसे आप लोग देख सकते हो गाइस। मिशंस के बाद में आप लोग यहाँ पे आप लोग शॉर्ट बुक आप लोगों को देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोगों को सारे के सारे यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह कैसे खेलना है वो सब कुछ आप लोगों को बता दिया जाएगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे इसको बैक किया, उसके बाद यहाँ पे मोड्स का आपको फीचर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वेलकम टू द मोड्स अपीसर ऑल यूजर्स टू शेयर देयर क्रिएटिव विद द रेस्ट ऑफ द RC कम्युनिटी, डाउनलोड द RC मोड, एंटर फ्रॉम द स्टीम, फ्लॉन्ट योर क्रिएटिविटी बाय मॉडिफाइंग द प्लेयर टीम्स एंड टूर्नामेंट ऑफ योर चॉइस। सो बेसिकली गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप लोग मोड्स वगैरह है लाइक स्टीम से डाउनलोड करके यहाँ पे अपने लाइक यहाँ से अपने क्रिएटिविटी को दिखा सकते हो, प्लेयर्स को मॉडिफाई कर सकते हो, टीम्स को मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे आप लोग यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे गाइज आप लोगों को इसको लगभग 200 रुपया देना पड़ेगा, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर 30 डेज़ का यह एक्सेस देखने को मिल जाएगा। एक्सेस द यूजर जनरेटेड कंटेंट सच ए जर्सी, प्लेयर प्लेयर फेसिस एंड द नेम, टूर्नामेंट इन्फो एक्सेट्रा फॉर 30 डेज़ एंड गेट अ बोनस ऑफ 256 डाउनलोड क्रेडिट अलॉन्ग विद द पैक अलाउिंग फॉर 512 MB ऑफ डाउनलोडेबल कंटेंट फॉर द फ्री। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि गाइज आप लोगों को बस 30 यहाँ पे 200 रुपीज़ का बाय करना पड़ेगा, और आप लोगों को 256 डाउनलोड क्रेडिट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 30 डेज़ का आपको एक्सेस भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को परचेज करके यहाँ पर रिव्यू करके मैं आपको दिखा दूंगा, अभी के लिए मैं बैक ले लेता हूँ। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वो चाहिए तो आप लोग वो भी मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। तो यहाँ प्रोफाइल्स के अंदर आप लोगों को सारे के सारे जो भी आप लोगों का प्रोफाइल्स है वो सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाने वाला है। साथ में यहाँ पे नेट्स का एक आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे आप लोग नेट्स की प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जैसे चाहिए आप लोग वैसे आप लोग अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो गाइस। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस गेम को चीज़ों को इन लोगों ने डेकोरेट किया है, मतलब
बनाया है चीज़ों को। अभी हम यहाँ से बैक लेते हैं इस चीज़ को और मैं बाकी के फंक्शनलिटी आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर से मैंने इसको बैक ले लिया हूँ और जैसे ही मैंने बैक लिया, अब देखो गाइस यहाँ पे अब अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे टिप्स और सेटिंग। डायरेक्टली सेटिंग के टाइप में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे बैटिंग एंड फील्डिंग का आप लोग वॉइस को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, शॉर्ट मैप का आप लोग वॉइस कंट्रोल कर सकते हो, साथ में क्वालिटी वगैरह का आप लोग चेंज वगैरह कर पाओगे जैसे आप लोग देख सकते हो। यहाँ से भी मैंने बैक ले लिया, यहाँ पे आप लोग साउंड्स वगैरह, माइक का आप लोग को क्रेडिट्स वगैरह, यहाँ पे हेल्प स्क्रीन वगैरह सब कुछ आप लोग को यहीं पे देखने को मिल जाता है। अभी के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे ऑन गोइंग टूर्नामेंट, जिसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे अभी हमारा कोई भी ऑन गोइंग टूर्नामेंट नहीं है, लेकिन जो भी ऑन गोइंग टूर्नामेंट्स वगैरह रहेगा यहाँ पे आप लोग को शो कर दिया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद एक क्विक मैच प्ले का आपको एक ऑप्शन मिलता है, बाद में टेस्ट मैच का आप लोग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ नीचे की तरफ मल्टीप्लेयर का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर रैंक अनरैंक प्ले विद द फ्रेंड्स और चैलेंजर मोड आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप लोग रैंक वगैरह के अंदर जाओगे तो आप लोगों को जो भी है ड्रीम्स वगैरह, चैलेंज वगैरह, जो भी है प्रीमियर लीग्स वगैरह, यहाँ पर सब कुछ आप लोग को देखने को मिल जाता है। साथ में प्ले विद द फ्रेंड्स के अंदर आप लोग जैसे आप लोग इसके अंदर करते थे गाइस अपना रियल क्रिकेट 22 को, सेम वे आप लोग यहाँ पर भी कर पाओगे आराम से। टूर्नामेंट्स के अंदर अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पर इंटरनेशनल आप लोग को टूर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप लोग मास्टर कप, एसोसिएट ट्रॉफी, बाद में अंडर 19 वर्ल्ड कप मिल जाता है। अब गाइस जो मोड्स का फीचर आया यहीं पे सारा काम करने वाला है, जो भी आप लोग पूरा का पूरा एकदम रियलिस्टिक तरीके से आप लोग इसका लोगो चेंज कर सकते हो, इसके ट्रॉफी का इमेज वगैरह चेंज कर पाओगे, एवरीथिंग जैसे आप लोग रियल आप लोग गेम्स में देखने को मिलता है वैसे ही आपको सब कुछ देखने को मिलने वाला है। साथ में आप एशीज है, आपको एशीज कप है, चैंपियन कप है, टेस्ट चैंपियनशिप है, क्लासिक वर्ल्ड कप आप लोग को देखने को मिल जाता है, T20 वर्ल्ड कप आप लोग को देखने को मिल जाता है, वर्ल्ड कप 2023 भी आपको देखने को मिल जा रहा है। साथ में डोमेस्टिक के अंदर अगर आप लोग जाओगे तो WIPL यानी कि वुमेंस IPL का आप लोग को देखने को मिलेगा, ऑशीज 2020 आपको देखने को मिल जाएगा, लंका सुपर लीग मिल जाएगा, PPL पाकिस्तान प्रीमियर लीग आपको देखने को मिलेगा, बांग्लादेश का सुपर लीग भी देखने को मिल रहा है, इंग्लिश कप 2020 आपको देखने को मिल रहा है, T20 प्रीमियर लीग आपको देखने को मिल रहा है, साथ में RCPL 2020 आप लोग को ये भी चीज़ देखने को मिल जा रहा है इस चीज़ के अंदर। अब बात करें यहाँ पे मोड्स के अंदर अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को टूर्स का एक आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्रूसेड का आपको देखने को मिल जाता है, RCPL ऑक्शन आपको देखने को मिल जाता है, साथ में यहाँ पर रोड टू वर्ल्ड कप आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह आपको कुछ ना कुछ एडसेट्स वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ल्ड कप आप लोगों को ये सब कुछ हमको पहले से देखने को मिलता था, आपको चीज़ ये याद ही होगा। रोड टू RCPL भी आप लोग कर सकते हो, रोड टू T20 वर्ल्ड कप भी आराम से आप लोग कर पाओगे। स्टोर्स के अंदर अगर आप लोग जाकर चेक कर दो तो यहाँ पे करेंसीज है, बंडल्स है, यहाँ पे मल्टीप्लेयर पैक्स आपको देखने को मिल जाता है, ऐड रिमूव वगैरह कर पाओगे और टूर्नामेंट्स वगैरह परचेस कर पाओगे बहुत इजीली आप सभी लोग। अब हम लोग यहाँ पे क्विक मैच प्ले के अंदर चलते हैं और क्विक मैच प्ले के अंदर जैसे ही मैं अंदर एंट्री मारते हैं तो यहाँ पे अपने हमको अपना टूर्नामेंट्स लाइक टीम्स वगैरह सिलेक्ट करने को मिल जाता है और यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा है, 2020 या ODI आप लोग खेल लो, अपने ओपोनेंट्स वगैरह को सिलेक्ट करो और जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड करो। यहाँ पे आप लोगों को कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया जा रहा है जिसको आप लोग रीड वगैरह कर सकते हो और साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे स्टेडियम्स वगैरह देखने को मिल जा रहा है जिसके अंदर आप लोगों का मुंबई है, लंदन है आप लोगों को, साथ ही यहाँ पे मेलबर्न का स्टेडियम, कैपटाउन का, वेलिंगटन का आपको देखने को मिल जाता है, दुबई है, चेन्नई है, अहमदाबाद है, पुणे है, बाद में सिडनी है, बाद में एडिलेड है अपना का, यहाँ पे बहुत सारे स्टेडियम्स आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है, मोहाली का, जयपुर का, आप लोगों धर्मशाला का, जो स्टेडियम आपको पसंद है आपके अगर आपने उस चीज़ को अनलॉक कर रखा है तो आप लोग उसको भी कर पाओगे। यहाँ से आप लोग ओवर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, कितने ओवर्स का आपको खेलना है, 2 ओवर्स 5 ओवर्स आप लोग यहाँ से, साथ ही साथ आप लोग यहाँ से 20 ओवर हो गया, अब 20 ओवर स्टार्टिंग में मैंने सिलेक्ट किया था इसलिए 20 ओवर से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में T20 लीग मैंने सर्च किया था। इसके बाद में डिफिकल्टी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, मीडियम रहेगा या आप लोग हार्ड रखना चाहते हो उसको, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको क्या करके रखना चाहते हो। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग कैचेस का आप लोग को देकर रखा है, मैनुअल करना चाहते हो या ऑटो करना चाहते हो, फील्डिंग में अगर आप लोग मैनुअल करना चाहते हो या ऑटो करना चाहते हो, इट डिपेंड्स आप लोग के ऊपर क्या करना है आपको इस चीज़ को। यहाँ पे टाइम ऑफ डे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, कमेंट्री के अंदर अगर आप लोग जाते हो तो यहाँ पे आप लोगों को कमेंट्री का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपको संजय मांजरेकर सर जी का आप लोग कमेंट्री चाहिए या विवेक सर का चाहिए या आकाश चोपड़ा का चाहिए,
जिसका आपको कमेंट्री चाहिए उनका आप लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग कर सकते हो। इंग्लिश के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे आकाश चोपड़ा, संजय, बाद में डैनी का और लीजा का आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे किट बैग के अंदर अगर आप लोग जाकर चेक कर दो तो बैट्स वगैरह आप लोग सिलेक्ट कर पाओगे, बॉल्स वगैरह जो भी आप लोग किट के अंदर पड़ा हुआ है वो चीज़ें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर मूव फॉरवर्ड करता हूँ और यहाँ पर हमारी प्लेइंग लेवल्स दिखा दिया गया, जैसे जयसवाल रहे, यहाँ पर गायकवाड़ है, ईशान किशन, तो जो भी लेटेस्ट वाला हमारा जो भी जो चल रहा था वही चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पे दिखा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको मूव फॉरवर्ड किया हूँ और गेम जो है अपना फाइनली जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले यहाँ पे एक मुझे लाइक यहाँ पे ये जो चीज़ हमको लगती है बहुत औसम लगती है, और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एकदम रियलिस्टिक चीज़ों को बनाने की कोशिश किया गया। अगर आप लोग अभी जैसे देखा होगा आपने तो यहाँ पे सूर्य कुमार का फेस कहीं ना कहीं उनके उनके फेस के साथ में मैच कर रहा था। और गाइज यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन वगैरह मतलब दिखाया जा रहा है, क्राउड्स वगैरह भी बहुत तरीके से ये एक नए तरीके से इन लोगों ने प्रेजेंट किया, जो कमेंट्रेटर को वगैरह का जो फोटो वगैरह के साथ में दिखा रहे हैं, और ग्राफिक्स को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया गया है। क्राउड के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ जान डाल दिया गया है। ये एक नया फीचर्स आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, जैसे आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यानी कि धीरे धीरे गेम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है, बहुत ही शानदार तरीके से चीज़ों को चेंज किया गया है। पीछे देखो यहाँ पे प्लेयर्स अपने प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पे अभी टॉस वगैरह का एनिमेशन हमको ये पहले से जो देखने को मिलता था अभी वो टॉस एनिमेशन वगैरह आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे मैं यहाँ पे हेड्स को कॉल करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है गाइज। और गाइज यहाँ पर बहुत ही लाइक गेम को अच्छे तरीके से इन लोगों ने इम्प्रूव किया। मैं यहाँ पर टॉस जीत चुका हूँ, मैंने बैट के ऊपर क्लिक कर दिया, अभी हम लेट्स ऑफ कोर्स बैटिंग ही करेंगे यार, बॉलिंग किसको करना पसंद है। आप जैसे देख सकते हो गाइज यहाँ पे इनके प्लेइंग इलेवंस को दिखाया जा रहा है, यानी कि गेम के अंदर बहुत सारे चीज़ों को कटसिन्स को बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की गई है। अब जैसे देखो गाइस कहीं ना कहीं इन लोगों ने फेसेस को ट्राई किया है कि इस चीज़ों को मैच करने की कोशिश किया जाए, और बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने इस चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश किया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे भी। ये गेम को जो फाइनली हमारा स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे जो भी है उनका नेशनल एंथम्स की वगैरह शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग लाइक अपने प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और मैं आपको एक जो है चीज़ आपको गेम प्ले का वगैरह दिखा देता हूँ फटाफट। जैसे आप लोग देख सकते हो प्लेयर्स की एंट्रीज वगैरह यहाँ पे दिखाई जा रही है, यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से इन चीज़ों को इन लोगों ने किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से ये देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ग्राफिक्स वगैरह को इनको इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत अलग तरीके से टेक्सचर्स वगैरह किया गया है। गाइज ये सब चीज़ें आप लोग मोड्स वगैरह के अंदर भी चेंज कर पाओगे बहुत आसानी तरीके से। तो आपको अगर चाहिए तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ये मोड्स वगैरह को जरूर से जरूर परचेज करो, क्योंकि गाइज ये बहुत ही शानदार फीचर्स आप लोग को देखने को मिल रहा है इनके तरफ से, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है। यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगा, इन लोगों ने जिस तरीके से गेम्स के अंदर ग्राफिक्स वगैरह को, जिस तरीके से टेक्सचर्स को इन लोगों ने इम्प्रूव किया है गाइस, दिस इज़ लाइक इनसेन गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तरीके से इन लोगों ने चीज़ों को करके रखा है। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो कॉमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो, आपको गेम कैसा लगा वो भी हमको बताओ जल्दी से जल्दी जाके कॉमेंट करके। गाइस मुझे पर्सनली ये गेम बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अब तो मैं खेलने वाला हूँ इस गेम को। आप लोग खेलोगे कि नहीं खेलोगे आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हो। आपको मोड्स का फीचर्स आप लोग अगर चाहिए तो, अगर फ्री में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आप लोगों का लेके आने की कोशिश करने वाला हूँ। कितने एक्साइटेड हो जाके जल्दी से जल्दी बता दो, मैं आपको मिलूंगा अपने अगले वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो गाइस।